हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू 0630 पॉइंट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले आपके डीआरडीओ सेप्टम के एग्जाम के बारे में, जो कि आपका एमटीएस के लिए, जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1817 वैकेंसीज हैं एमटीएस पोस्ट के लिए। एमटीएस मतलब मल्टी टास्क स्टाफ, ठीक है। तो आपकी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, इसके लिए आप 10th से ज्यादा अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, आपने 10th करी है मिनिमम, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और डीआरडीओ कितना अच्छा डिपार्टमेंट है कि उसमें सभी अप्लाई करते हैं। उसी के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका एग्जाम स्टार्ट होने से लेके आपके सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो उस सभी प्रोसेस को जानने के लिए, सभी डिटेल्ड बातों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली चीज कर लेते हैं कि गाइस, इसमें आपके दो एग्जाम्स होंगे। दो एग्जाम्स में आपका टायर वन होगा और टायर टू होगा। टायर वन जो गाइस आपका होगा, वो आपका सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग का मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स आपका टायर वन क्लियर करेंगे, वो आपके टायर टू के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन टायर टू के बेसिस पर होगा। आपका टायर वन और टायर टू का दोनों को का ही जो सिलेबस है वो कंप्लीटली अलग है। दोनों में ही आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो पूरे एग्जाम के लिए आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और आपकी जो पूरी रिक्रूटमेंट है आपकी 3 से 4 महीने के अंदर खत्म कर दी जाएगी। और आपका जो सिलेक्शन है, आप ये मान सकते हो कि आपकी जो जॉब होगी, आप जून जुलाई में जाके इसकी ज्वाइनिंग इजिली कर लोगे, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ज्वाइनिंग के लिए और क्विक प्रोसेस इसमें आपका होने वाला है। सो अगर आप चाहते हो 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब पाना, तो आपके लिए बेस्ट चांस है। विदिन 6 मंथ आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। उसी के साथ आपको पेपर के बारे में भी बता देता हूं मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि आपका जो पेपर होता है बिल्कुल बेसिक लेवल का आता है, 10th लेवल का आता है, ठीक है। तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ताकि फ्यूचर में आपको सभी अपडेट्स और सभी टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहें, और स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि टायर वन आपका होगा, जो कि आपका स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि टायर टू के लिए कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, और जो कैंडिडेट आपके एलिजिबल होते हैं या काबिल होते हैं उसको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कितने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, ओके। तो टायर वन जब आपका होगा, तो टायर वन में आपके 40% कुछ 1% सेलेक्ट करी जाएगी स्टूडेंट्स की, जो कि आपकी टायर टू में सेलेक्ट होगी। तो लाइक अगर आपकी 1817 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 1817 वैकेंसीज हैं, तो इसमें आपकी जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, आप उसको इनटू 10 कर सकते हैं, ठीक है। हर एक सीट के लिए, हर एक पोस्ट के लिए 10 बच्चों को सेलेक्ट करा जाएगा, ओके। इस तरीके से आपका स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का मतलब ये नहीं, स्क्रीनिंग में आपका ये भी बताया गया कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ओबीसी के लिए आपकी 40% है और एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए आपकी 35% है, ओके। ओबीसी के लिए और जनरल के लिए आपकी 40% है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप 40% सभी लेके आते हैं, बहुत इजीली आ जाते हैं, बट अगर आपके 45% भी आते हैं और आप बोलते हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि आपसे पहले जिस सीट के लिए आप लड़ रहे थे, उससे पहले 10 बच्चे ऐसे थे जिनके 75 मार्क्स थे, ठीक है। तो उन 75 मार्क्स वाले 10 बच्चों को यहां पर सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया, बिकॉज समटाइम्स रीजन चीज क्या होती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो कट ऑफ है, जो भी मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाता है, स्टूडेंट्स उसको भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उसको भी पार नहीं कर पाते। तो इसलिए एक क्वालिफाइंग का मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाता है, मिनिमम परसेंटेज रखी जाती है कि हाँ, इससे ऊपर ही हम लेंगे, इससे नीचे हम अपना लेवल नहीं लेके जाएंगे। अगर इससे ऊपर किसी एक भी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं आते हैं, तो एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करा जाएगा, एग्जाम को यहीं पर रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक डीआरडीओ की एक लिमिट है कि 40% मिनिमम ओबीसी और जनरल के स्टूडेंट के आने चाहिए, और मिनिमम 35% एससी एसटी कैंडिडेट के, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी टायर वन टायर टू, आपके किस तरीके का पेपर होता है, कितने बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, हर एक सीट के लिए आपके 10 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस हम आपकी सिलेबस की, ठीक है। टायर वन में आपका क्या क्या आएगा गाइस? टायर वन में आपका जनरल इंटेलिजेंसी आएगी और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग एबिलिटी, ये मैं आपको अपने चैनल पर करा दूंगा। एसएससी जेई की भी, एसएससी सीएचएसएल की भी, डीआरडीओ की भी, डीएमआरसी की भी, जो भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। उसी के साथ सेकंड आ गया गाइस आपका जनरल अवेयरनेस। कंप्लीटली आपका किस पे बेस होता है जनरल अवेयरनेस भी, जो मार्क्स भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। इसमें आपके 35 क्वेश्चन आएंगे और इसे आपका 35 मार्क्स के लिए ही होगा। ये हम टायर वन की बात कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस गाइस आपकी 30 मार्क्स की आएगी और 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स, ठीक है। उसी के साथ नेक्स्ट आपका जो
सब्जेक्ट है वो है गाइस आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी आपके 35 क्वेश्चन होंगे जो कि 35 मार्क्स के लिए होंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल होता है, जो जो आपका ये एग्जाम होगा वो आपका 90 मार्क्स का होगा टायर वन का। आप टायर वन का आपके लिए आपको ये तीन सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। किस तरीके से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या बुक फॉलो करनी है, वो सभी मैं आपको बता दूंगा। उसी के साथ टायर टू की भी अब हम बात कर लेते हैं गाइस। टायर टू में जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो आपका जनरल साइंस होगा, सेकंड आपका जनरल मैथ्स होगा, थर्ड आपका जनरल इंग्लिश होगा, ठीक है। इसमें आपके 40 नंबर होंगे जनरल साइंस के, जनरल मैथ्स के आपके 40 नंबर होंगे, और ये भी आपके 40 नंबर, 40 40 क्वेश्चन के लिए, 40 40 और 20, ठीक है। टोटल जो आपके नंबर मार्क्स होंगे इसमें भी, ये आपके 90 मार्क्स होंगे या 90 मिनट्स होंगे, सॉरी मैंने मार्क्स बोल दिया, ये 90 मिनट्स होंगे, ओके। आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपके 100 क्वेश्चन है, यहाँ भी आपके 100 क्वेश्चन है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया था, 100 क्वेश्चन हैं जिसको सोल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ओके। सो ये तो हो गया आपका टायर वन का सिलेबस, ये हो गया आपका टायर टू का सिलेबस। क्या बुक्स फॉलो करनी है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, उसके लिए मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा। सो एक बार मैं फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या आपका पैटर्न है। टायर वन होगा, टायर वन में आपके जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो हर एक सीट के लिए 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। लाइक, आपके 45 मार्क्स हैं, आपके 45% मार्क्स आते हैं, 100 नंबर का आपका टायर वन होगा, 100 में से आपके 45 मार्क्स आते हैं, बट आपसे पहले 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके 75 मार्क्स आते हैं, तो उन 10 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, ना कि आपको। तो ये आपका सारा प्रोसीजर होता है। मिनिमम परसेंट वालों को सेलेक्ट नहीं किया जाता, अगर इस तरीके से सेलेक्ट किया जाए तो ऑलमोस्ट 70-80% स्टूडेंट्स का एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराना पड़ जाएगा। तो इसलिए डीआरडीयू 1:10 यूज करता है, हर एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। दैट मींस अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 118 है तो आप उसको इंटू 10 कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स आपका टायर टू देंगे, ठीक है। टायर टू में आपको पता चलेगा किस तरीके से सिलेक्शन होता है। टायर टू जिसका भी क्लियर होगा उसका डीआरडीयू सेप्टेम 2019-20 क्लियर हो जाएगा और उसको जॉब मिल जाएगी। इट इज दैट इजी। पेपर किस टाइप का आता है आपका, दोनों टायर का सिलेबस अलग अलग है। किस तरीके का पेपर आएगा, 10th लेवल का पेपर आएगा, 100% 10th लेवल का आएगा। और डीआरडीओ में हर बार आपकी साल में 2-3 बार वैकेंसीज आती है 10th और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जेई की पोस्ट और आपके 10th लेवल की और 12th लेवल की, आपकी पोस्ट साल में 2-3 बार आती है। और गाइस, स्टूडेंट ने हमारे चैनल से बहुत बार एग्जाम क्लियर किया है। अगर आप डीआरडीओ डाल के 06 स्टडी पॉइंट सर्च करो गूगल पे या यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी कि किस तरीके से डीआरडीओ के पेपर आए थे, क्या क्या था, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर। तो अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब बटन दबा के और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा के फ्यूचर के सभी अपडेट्स के लिए। उसी के साथ स्टडी मटेरियल बुक्स मैं आपको सभी चेक करके बता दूंगा। डिटेल्ड सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, तो मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस भी प्रोवाइड करा दूंगा टाइम से, आज या कल या परसों। आज मैं जितना हो सके उतना जल्दी मैं आपको ट्राई करने की प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फॉर्म आपके जल्दी फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म में फिल कर दीजिएगा। सो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। सो गाइस, आज सो विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।